नमस्कार दर्शकों, एसडे में आपका स्वागत है। चुनावी बेला में आपका स्वागत है। इस चुनावी रिपोर्ट का, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। तो मैं हूं दीपिका। तो आज हम आए हैं ग्राम पंचायत बल में, जहां पे जो स्कूल है, यहां पे बल का प्राइमरी स्कूल है। यहां पे जो है वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो गई है, और ये वोटिंग जो है ये 4 बजे तक चलेगी। 4 बजे से लेके 5 बजे तक जो है, जो कोरोना संक्रमित या गृह संगरोध में रखे गए लोग हैं, उनकी वोटिंग की जाएगी। और जो उम्मीदवार हैं उनका अब इंतज़ार जो है बहुत ही जल्द जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद जो है जल्द ही रिज़ल्ट जो है वो भी आज ही निकाल दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि इस बार उनकी पंचायत में कैसे सदस्य जो हैं वो चुनकर आए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, एस स्टूडियो में आपका स्वागत है। हाँ जी। आप जो है वोटिंग करने आए हैं। हाँ जी। इससे पहले आप कितनी बार वोटिंग कर चुके हैं? 8-9 बार। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि आप कैसा प्रत्याशी जो है वो चुनेंगे? ठीक है, जो काम करने वाला हूँ। हाँ, हम सही पे सही हो गएंगे सर। ठीक है जी, यहाँ से सर से बात कर लेते हैं हम। सर, आप बताइए कि आप क्या मानते हैं कि कैसी जो पंचायत में सदस्य हैं वो कैसे आने चाहिए? अच्छा काम करने वाला। और जैसे कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि पूरा मतलब विकास हो, ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार ना हो। हाँ, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। आप इससे पहले कितनी बार जो है मतदान कर चुके हैं? हम तो ये काफी टाइम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ और भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, एसडी में आपका स्वागत है। सर, आप हमें बताइए कि आप क्या मानते हैं कि कैसे प्रत्याशी जो है वो चुनकर आना चाहिए प्रधान पद का? मैडम, एक्चुअली जो एजुकेटेड हो, ईमानदारी से काम करे, और ऐसा नहीं भी जीत के अपनी ही वार्ड को देखे। मतलब कहने का भाव है भी सारे जो पंचायत है वो जितने भी वार्ड हैं उनमें पूरी तरह जो है विकास करें। मतलब ऐसा नहीं भेदभाव, वो भी इसने वोटिंग नहीं की, उसने नहीं की। मतलब एक तरफ से ईमानदार आना चाहिए जी। तो इनका मानना है कि जो ईमानदार उम्मीदवार है वही चुन के आना चाहिए। आगे हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं कि वो क्या मानते हैं कि कैसा प्रत्याशी जो है उनकी पंचायत में जो है वो चुनकर आना चाहिए। नमस्कार सर। हाँ जी। सर, आप क्या मानते हैं कि कैसा प्रत्याशी प्रधान, उप प्रधान, जो पंच हैं वो कैसे चुन के आने चाहिए? प्रत्याशी तो एक ईमानदार, मेहनती और ग्राउंड लेवल से जुड़ा होना चाहिए, जो लोगों की समस्या सुन सके और विकास करा सके। तो यही एक फैक्टर ज़्यादा कि जो प्रत्याशी वो ईमानदार ज़्यादा होना चाहिए। सर, आपकी पंचायत से जो हैं कितने प्रधान पद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं? हमारे पंचायत से 4 उम्मीदवार प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं, और उप प्रधान के भी 4 ही हैं। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे आगे मैम हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वो इससे पहले कितनी बार मतदान कर चुकी हैं। काफ़ी बार। आप क्या मानती हैं कि कैसा प्रत्याशी जो है वो चुन के आना चाहिए पंचायत में? वही जो हमारा थोड़ा गांव का विकास कर सके, और जो मतलब सूटेबल हो, मतलब ना एलिजिबल होना चाहिए, ठीक, मतलब अपना कुछ गांव का विकास कर सके ठीक ठाक, और जो भी काम हो मतलब गांव के इस पे ना वो ठीक होना चाहिए बस। तो मैम, आप हमें ये बताइए कि जैसे अभी पिछली जो पंचायत थी उसमें जो सदस्य थे उन्होंने कैसा काम किया? उन्हें लगभग ठीक ही किया वैसे, मतलब उतना तो नहीं, पर चलो मतलब ठीक है। क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं? कुछ काम है वो पेंडिंग है जो करवाने थे, पर चलो अब देखते हैं नेक्स्ट जो आएंगे, तो हम सोच रहे हैं जो भी आए वो काबिल आए, मतलब वो कुछ कर सके। ओके, धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ और भी मैम हैं, उनसे बात करते हैं हम उनसे कि क्या चाहते हैं वो कि कैसा प्रत्याशी चुन के जो है पंचायत में आए। ठीक होना चाहते जी, जो क्या पहली सारे खड़े हैं। अच्छा, आप इससे पहले आपकी उम्र क्या है? उम्र तो 60 साल हुई। अच्छा, 60 साल है, मतलब जब ये 18 साल की हुई है उसके बाद से जो है ये लगातार चुनावों में जो है मतदान कर रही है, क्या मैं सही बोल रही हूँ? ना, आप ठीक बोल रहे हैं। ठीक। ओके, धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ ऐसे जो वोटर्स हैं वो भी हैं जो कि पहली बार जो हैं वो मतदान कर रहे हैं। हेलो। हेलो। आप पहली बार मतदान कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मतलब पहली बार कर रही हूँ, थोड़ी अजीब ऐसी फीलिंग तो आ रही है, पर खुशी भी हो रही है कि पहली बार वोट कर रही हूँ। अच्छा, तो आप कैसा जो है उम्मीदवार चुनना चाहेंगी?
उम्मीदवार कोई भी हो, बस अच्छा हो जो कि गांव का विकास करे और गांव का अच्छे मतलब जो काम बचे हैं वो पूरा करे, बस ईमानदार होना चाहिए और क्या। अच्छा, अभी तक आपकी पंचायत में क्या ऐसे काम हैं जो अधूरे बचे हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, क्या चाहते हैं आप, कितना विकास होना चाहिए? गांव में बहुत सारा काम है अभी जो मतलब पूरे नहीं हुए, जैसे सड़कों का काम और भी कई होंगी, वो एक्चुअली मुझे ज़्यादा पता तो है नहीं अभी, तो बस वो पूरे हो जाने चाहिए और क्या, गांव को अच्छा और क्या विकास होना चाहिए गांव का, चाहे कैसा भी ईमानदार हो कोई भी आए। ओके, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे जो है कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो 5 बार जो हैं वो वोटिंग कर चुके हैं, इससे ज़्यादा भी, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि पहली बार जो है मतदान कर चुके हैं। तो हमारे साथ कुछ और हैं लड़कियां, तो वो भी मतदान कर चुकी हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो कितनी बार इससे पहले कर चुकी हैं या इनका पहली बार है या इससे पहले भी कर चुकी हैं। हेलो। हेलो, मेरा नाम रिया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और मैं एक्साइटेड थी काफ़ी, और वोट डालना मतलब ज़रूरी है हर एक इंसान को ताकि वो ऐसा प्रतिनिधि चुन सके जो हमारे पंचायत को डेवलप कर सके। अच्छा, आप क्या मानती हैं कि जो यहाँ पे कितना विकास जो है पहले पंचायतें करवा चुकी हैं और अब क्या चाहती हैं कि कितना विकास होना चाहिए? अभी कई जगह पे कई लोगों के घरों तक अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो अभी उस चीज़ में काम होना बाकी है। तो अभी मैं यही चाहती हूँ कि वो पहले मतलब हर एक इंसान हर एक घर में सड़कें आ सकें और डेवलप हो सके हमारे पंचायत। ओके, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ एक और भी हैं यहाँ पे वोटर जो कि अभी अभी जो है वोटिंग करके आई हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहती हैं, कि कैसा प्रत्याशी वो चुनना चाहती हैं। मैं ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहती हूँ वो एक तो एजुकेटेड हो, वो सभी के साथ मतलब समझे कि इस इलाके में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मतलब हर एक चीज़ की डेवलपमेंट हो सके। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं कि अब कितना काम जो है आपकी पंचायत में इससे पहले पंचायतें करवा चुकी हैं और अब बाकी क्या काम जो है बहुत ही प्राथमिकता के साथ होना चाहिए? इस पहले भी पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया है, बट अभी तक हमारे मेन यही है कि हमारे घर तक सड़क नहीं पहुंच पाई अभी तक, इतनी भी पंचायत पहले है, तो हम चाहते हैं कि अभी जो हम कैंडिडेट चूज़ करें वो ऐसा करें कि हमारी जो एरिया है उसको डेवलप कर सके। ओके, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को जो है पूरा ध्यान में रखते हुए जो है वोटिंग की जा रही है, लोग जो हैं पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो जो हैं कितने साल के हैं। नमस्कार सर। सर आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है आपकी? उम्र 3 साल हुई है। आप क्या मानते हैं कि कैसा उम्मीदवार जो है वो चुन के आना चाहिए? पता नहीं कुछ तो सेटिंग है। हाँ ठीक है, बोल दूँ क्या ना, कैसा उम्मीदवार चाहिए आपको? ईमानदार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए उम्मीदवार? ठीक, चलो भगवान क्या बड़ा लिखा और अच्छा चाहिए। कहते भाई ना, वोट डालने के लिए बूथ नजदीक होना चाहिए। हाँ ठीक, बिल्कुल भगवान शर्मा रखो ना बेचारे, अब कोई पता नहीं अगले कराना पता होना। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे 103 या 100 से ऊपर जो है इनकी एज हो चुकी है। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि कैसा उम्मीदवार जो है वो क्या चाहते हैं, कि कैसा उम्मीदवार उनकी पंचायत को मिले इस बार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप क्या चाहते हैं कि जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं वो कैसा आना चाहिए, प्रधान पद का क्या, जो पूरी पंचायत है उसमें कैसे उम्मीदवार जो हैं वो आने चाहिए इस बार चुन के? और ईमानदार और बातचीत करने और काम कराने वाला चाहिए हमारे को, बाकी नहीं। अच्छा, आपकी पंचायत से कितने प्रधान पद के उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हैं? बहुत है, मगर मतलब का एक ही प्रधान है, बाकी काम करने के लिए भी बंदा चाहिए ना, वो काम करे और देखभाल करे। वोट लेने को सभी आ रहे हैं पर काम करने के लिए भी नॉलेज होना चाहिए, ये बात है। तो इससे पहले जो पंचायतें आई उन्होंने, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं? उनके काम से संतुष्ट हैं, जो हमारा प्रधान पहले रोज चुका, उसने बहुत काम किए हमारे वार्ड में और बाकी वार्ड में बहुत काम किए उसने, और अभी भी वो खड़े हैं प्रदीप कुमार। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी दिख रही है, और साथ ही जो है सैनिटाइजर और जो
स्क्रीनिंग वगैरह है वो भी की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति का टेम्परेचर वगैरह हाई पाया जाता है तो उनकी स्क्रीनिंग करके उनको वोटिंग किस हिसाब से करनी है वो बताया जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या चाहते हैं वो, कि इस बार कैसा प्रत्याशी जो है वो चुन के आए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप क्या चाहते हैं कि कैसा प्रत्याशी जो है वो इस बार चुन के आए? ईमानदार हो, सब किसों ने बचा रहा है ना। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि इससे पहले जो पंचायतों ने काम किया क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, अपने अपने हिसाब से सारे ने करा नहीं काम, ठीक ही करा होगा। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ और भी हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं जो कि पहली बार भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले भी मतदान कर चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार जो है मतदान कर रहे होंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप हमें ये बताइए कि आप क्या मानती हैं कि कैसा प्रत्याशी जो है पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, पंच हैं, कैसे चुन के आने चाहिए? ईमानदार और काम करने वाले। अच्छा, इससे पहले जो पंचायतें हैं वो कैसा काम करवा चुकी हैं? अपने हिसाब से ठीक है किया उन्होंने। अच्छा, तो अब क्या चाहती हैं आप कि कौन सा काम जो है वो प्राथमिकता के साथ होना चाहिए? सभी की सुने और ईमानदारी से काम करें, बस ऐसा ही होना चाहिए। ओके, धन्यवाद मैम। आप हमें बताइए कि आप कैसा प्रत्याशी जो है वो चुनना चाहती हैं अपनी पंचायत के लिए? जैसे काम कराने वाले हों, अच्छे हों। हाँ जी। और सिर्फ इतनी ही क्वालिटी का प्रत्याशी जो है वो आपके लिए सही है या ऐसा होना चाहिए कि ईमानदार हो, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए पंचायत में और जो भी काम है वो अच्छे से होने चाहिए, सभी वार्डों की सुध ले वो, ऐसा कुछ? एजुकेटेड होना चाहिए। हाँ, ईमानदार होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पूरी पंचायत का चौमुखी विकास करें। हाँ जी, ऐसा होना चाहिए पूरे पंचायत का। अच्छा, तो मैम इससे पहले जो पंचायतों ने काम करवाए उससे क्या आप संतुष्ट हैं? कुछ कामों से संतुष्ट है और कुछ से नहीं, कुछ से नहीं है। आप मैम थोड़ा आगे आए, मैम थोड़ा आगे आए, इनकी भी राय ले लेते हैं थोड़ी, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं? वो इन्होंने पहले बता दिया, कुछ काम हुए कुछ नहीं भी हुए काम, और होने चाहिए थे काम, पैसा भी आया सब कुछ हुआ पर काम नहीं हुए। वो किस वजह से, या फिर कई बार ऐसे होता है कि जो लोगों की जमीन होती है वहाँ पे रास्ते वगैरह बनने होते हैं या कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा कुछ बनने थे पर बने नहीं, पूरे रास्ते बने नहीं। हम चाहते हैं आगे ऐसा प्रधान आए वो सब काम करे, सब जगह करे, ऐसा नहीं एक ही जगह करे, जहाँ से चुने भी नहीं करे, जो सारे वार्ड है वहाँ सब जगह जाए और अच्छा काम करे। मैम आप कितने सालों से वोटिंग कर रही हैं? अब तो बहुत साल हो गए, 20 साल 22 साल 25 हो ही गए, लेकिन हम चाहते हैं बदलाव आ रहा है दुनिया में, पढ़े लिखे हैं सभी, सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छे विचार देते हैं, पर हम ऐसे चाहते हैं कि पढ़ा लिखा हो, काम करने वाला हो। ओके, धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी हैं, बुजुर्ग हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी सब। मैम आप कितने सालों से वोटिंग करती आ रही हैं? पता नहीं, 32 साल हुई गई। अच्छा, आपकी एज कितनी है? एज 70 साल। 70 साल। अच्छा, 70 साल जो है इनकी उम्र है। तो आप क्या मानती हैं कि कैसा प्रत्याशी जो है वो चुन के आना चाहिए? खरा आना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी हो कोई ना। अच्छा, इससे पहले जो जितनी पंचायतों ने आपके गांव में विकास करवाया तो उसका आप? किसने नहीं करवाया जी, नहीं करवाया किसने। हाँ जी, आए भी जब सारे करान काम, सारे काम हो यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले जो पंचायतें आई कुछ पंचायतों ने काम करवाया, कुछ ने नहीं करवाया? किसने कुछ करवाया भी, कुछ नहीं भी करवाया जी। हाँ जी। अच्छा, तो आप अब क्या चाहती हैं कि जो क्या काम है जो प्राथमिकता के साथ होना चाहिए? सब काम होना चाहिए जी, रास्ते भी सब कराना चाहिए, फ्री में भी कराना चाहिए, सारा कुछ कराना चाहिए। ओके, धन्यवाद मैम। हमारे साथ यहाँ पे और भी हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि उनको कैसा प्रत्याशी जो है इस बार चाहिए। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आप कैसा प्रत्याशी जो है वो चुनना चाहेंगी? अच्छा आदमी हो, सारे काम करो, सही आदमी चाहिए मुझे, ऐसे आए जो ना रास्ते भी नहीं आधे छूटे आधे बनाए आधे नहीं बनाए, अब ऐसा होना चाहिए भी अच्छा काम करे सारा। हाँ जी। अच्छा, तो आप कितनी बार जो है वोटिंग कर चुकी हैं इससे पहले? वोटिंग तो कोई 30 साल हुई है कर दिए हैं। अच्छा, तो धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पे सभी वोटर्स जो हैं वो अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मैम मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो अभी तक कितनी बार वोटिंग कर चुकी हैं।
हाँ जी, मैं यहाँ पर लगभग 25 सालों से हूँ, यहाँ वोटिंग कर रही हूँ। जिस पाठशाला के प्रांगण में मैं खड़ी हूँ वहाँ मैं रह चुकी हूँ एज ए टीचर। मैंने यहाँ साढ़े तीन साल पढ़ाया है, और जहाँ तक मैं चाहती हूँ यहाँ जो भी प्रतिनिधि चुने जाएं वे निष्पक्ष हों, निडर हों, सबको साथ लेकर काम करने वाले हों, कोई किसी चीज़ से प्रभावित ना हो कि जो राशि आए, धनराशि हमें मिले यहाँ, वो सारे यूटिलाइज करें उसे पूरी तरह से। और क्या पूछिए? और गांव का विकास मेन तो यही है कि गांव का विकास होना चाहिए। विकास वो जो राशि आएगी उसे यूटिलाइज करेंगे सही ढंग से तो विकास तो नेचुरल है, विकास तो होगा ही मेरे विचार से। और ओके मैम, तो आप हमें ये बताइए कि अभी तक जो पंचायतें आई पहले, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं? पूरी तरह नहीं। हाँ जी, पूरी तरह नहीं, कुछ सीमा तक मैं संतुष्ट हूँ, कह सकते हैं कि करवाया है काम, बदलाव तो बहुत आया है, बट जिस गति से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया जी। अच्छा, तो अभी तक क्या काम है जो अधूरे रह गए हैं पहले? जैसे जो सड़कें हैं वो उनमें अभी भी वैसे ही गड्ढे पड़े हुए मिलते हैं, करवाया जाता है पर पता नहीं वो सही ढंग से क्यों नहीं हो पाता जी। ओके, तो आप क्या चाहेंगी कि जो अभी प्रतिनिधि चुन के आए वो कैसा विकास, क्या कार्य जो हैं प्राथमिकता के साथ करें? हाँ जी, एक तो जो गांवों में जो गलियां हैं वो प्रॉपर नहीं है, बुरा हाल है उन गलियों का। देखा जाए तो सही ढंग से जो छोटे वाहन हैं वो भी घरों तक नहीं पहुंच पाते। करवाया जाता है काम, मैं नहीं कहती कि करवाया नहीं जा रहा है, करवाया जा रहा है पर कुछ समय के बाद वो फिर वैसा ही हो जाता है। मीन्स कहीं कमी तो है, अगर उस धन का सही उपयोग किया जाए तो वो वैसा नहीं रहेगा मेरे विचार से। ओके मैम, बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। तो दर्शकों, ये थे यहाँ के प्रत्याशी जिन्होंने बताया कि उन्हें जो है ईमानदार, कर्मठ और पढ़ा लिखा जो है प्रत्याशी उन्हें चाहिए। पूरी पंचायत पढ़ी लिखी होनी चाहिए और निडर पंचायत होनी चाहिए। तो ये थी एस टुडे के लिए दीपिका रानी की रिपोर्ट।